राजस्थान में अगले 3 दिन मूसलाधार बारिश का अलर्ट। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहा है मौसम तंत्र। नमस्कार, आपका स्वागत है 10 उगम पर। देश के पूर्वी इलाकों में सुस्त्रा मानसून एक बार फिर से अगले 3 दिनों में मेहरबान होने वाला है। IMD यानी मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी इलाकों में सक्रिय हो रहे चक्रवाती तंत्र के असर से कम वायु दाब क्षेत्र अगले 24 घंटे में बनने की संभावना IMD ने जताई है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्वी इलाकों में सुस्त्रा मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने वाला है। आपको बता दें कि इसके असर से विंड पैटर्न में भी बदलाव के साथ प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ने और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने का जो संभावना है वो IMD ने जताई है। पूर्वी राजस्थान के 12 जिलों में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। IMD मौसम विभाग के मुताबिक बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही आदि जिलों में भारी बारिश की संभावना IMD ने जताई है। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ अगले सप्ताह के मध्य तक प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी मौसम तंत्र सक्रिय होकर बारिश कर सकता है। मौसम विभाग IMD ने पूर्वी राजस्थान सहित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, कर्नाटक और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ ही दक्षिण पश्चिमी अरब सागर के साथ दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी मध्य क्षेत्रों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है वो IMD ने लगाया है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।